नमस्ते, आज हम देखेंगे महाराष्ट्रियन पारंपरिक रेसिपी। उसको महाराष्ट्र में वर्नाटला चकला और गुजरात में दाल ढोकली बोलते हैं। आइए उसके लिए सामान देखते हैं। दाल ढोकली के लिए सामान लगेगा, मैंने यहाँ तुवर दाल और मूंग दाल मिक्स ली है। इसको हम कुकर में जो हम दाल के लिए कुकर में डाल के पका लेते हैं, तीन सीटी करके वैसे ही करना है। फिर मैंने वगार के लिए लिया है, मैंने यहाँ लीला खोबरा, नारियल होते हैं एक सूखा भी ले सकते हैं, उसको मैंने खलबत्ते में कूट लिया है। आप इसके साथ आप खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हैं। फिर हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, टमाटो, ये मैंने धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये मैंने खड़ा मसाला मतलब तेज़पत्ता, थोड़ी सी लवंग, मैंने चार पांच लवंग, चार पांच काली मिरी और एक दालचीनी ली है। ये सब हम वगार में डालेंगे और उसके साथ हम वगार में लाल तिखट, हल्दी, जीरा और राई भी आएगा। इसको हम पहले कुकर में डालेंगे। ये डालता हो गया, अब हम देखते हैं ढोकली के लिए। ढोकली के लिए हम जैसे आटा बुनते हैं, जो रोटी के लिए आटा बुनते हैं वही आटा लेना है। इसमें अगर आप चाहो तो लाल तिखट और अजवाइन डाल सकते हैं। मैंने तो सिंपल आटा, जो हमारा रोटी का आटा होता है, वही लिया है। तो चलो हम अब बनाते हैं। मैंने दाल कुकर में पकवा के लिए है, अब उसको हम वगार देते हैं। गैस पे कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ दो चम्मच ऑयल लिया है। इसमें डालेंगे हम राई, गरम नहीं हुआ है अभी तक। सामान में मैंने कसूरी मेथी भी पानी में भिगो के रखी है, बहुत थोड़ी, एक चम्मच जैसे कसूरी मेथी है, वो मैंने पानी में भिगो के रखी है, वो भी हम इसमें डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे राई। तेज पत्ता, पहले सब खड़ा मसाला डालेंगे। फिर कड़ी पत्ता, फिर डालेंगे खोबरा। खोबरे के साथ आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर डालेंगे हरी मिर्च, हमने इसमें काली मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च मैंने दो कट करके लिए हैं। आप अपने तीखा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें मैं और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें आएगी। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से तीखा बनाना है, उस हिसाब से आप तीखा बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अभी टमाटो,
इसमें मैं डालूंगी एक चुटकी घी। आधा स्पून हल्दी, एक डेढ़ स्पून लाल तिखा, लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें डालूंगी भिगी हुई कसूरी मेथी, भिगी कसूरी मेथी ऑप्शन है, अगर आपको ना हो तो डालो, ना डालना हो तो ना डालो। अब इसमें जाएगी हमारी गली हुई दाल जो पक गई है कुकर में, तीन शिफ्ट कर दो, जैसे नॉर्मल हम दाल के लिए दाल पका के लेते कुकर में, बस उसी तरह। ये मैंने मिक्स दाल लिया है, अगर आप चाहें तो सिर्फ तुवेरा दाल की भी बना सकते हैं या और मिक्स दाल तीन चार दालों का भी बना सकते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना क्योंकि फिर इसमें हम आटा की ढोकली बना के इसमें डालेंगे तो ये थोड़ा पानी सोख लेगा, वो पकने के लिए पानी लगेगा तो ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा, तो मैंने ऐसा रखा है। आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी डालना, पर पानी थोड़ा ज़्यादा रखना क्योंकि वो बाद में सूख जाता है, पानी थोड़ा ज़्यादा डालना तो वो बाद में गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको करते हैं हम गैस फुल, ये तब तक उबाल लेता है तब तक हम ढोकली बना देते हैं। मैंने यहाँ आटे का जो हम रोटी बनाते हैं उसका ही गोला बना के लिया है, अब इसको हम रोटी के जैसे ही बेलेंगे। आटा लगा के हम जैसे रोटी बनाते हैं सिर्फ उसी तरह से बनाना है। जरूरी नहीं कि ये गोल ही आए क्योंकि इसको हमको कट ही करना है। एक तरफ हमने दाल रखी है उसी टाइम हमको ये ढोकली बना के लेनी है और इसको चाकू से ऐसे कट करके इसके पीस बनाने हैं, डायमंड में या रेक्टेंगल में जैसे आपको पसंद है उस तरह से हम इसको पीस बनाएंगे। इसकी थिकनेस उतनी रहेगी जितनी रोटी की रहती है या उससे पतली भी चलेगी क्योंकि ये दाल में पकने वाली है, इसलिए इसकी थिकनेस, इसकी जाड़ी बहुत पतली हो तो ही अच्छी है, तो जल्दी पकेगी। आपको इतनी इसकी जो ढोकली की साइज है आपको जैसे बड़ी छोटी आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप इसका सेप बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा मीडियम साइज़ ही लेती हूँ क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा बड़ी साइज़ हो ही जाती है, इसकी साइज़ बढ़ जाती है। बस ये हो गई ढोकली, इसको हम डालेंगे दाल में। बस इस ढोकली को हम डालेंगे दाल में। इसी तरह से और ढोकली बना देते हैं, बना के लिखते हैं, तब तक दाल भी हमारी पक जाएगी, उबाल लेगी और उसमें ये ढोकली भी
एक के साथ पक जाएगी। अब मैंने सब डाल ढोक लिया इसमें, मैंने सब ढोक लिया इसमें, दाल में डाल दिए। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे तो ये पक जाएगी। पहले इसको अच्छे से पकना। देखो हमने इतना पानी रखा था फिर भी ये अभी से इतनी गाढ़ी हो गई है, बाद में तो बहुत गाढ़े हो जाते हैं। चलिए इसको हम ढक के रखते हैं। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे तो ये पक जाएगा। अब ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं इसको पक गया है। ये पूरी तरह से पक गया है, देखो खुल के पूरा ऊपर आ गया है। और अब इसमें ढोकली दिख रही है, उसकी साइज़ भी बढ़ गई है तो पता चल जाता है कि ये पक गई है। देखो अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा 1 चम्मच देसी घी, और ऊपर से डालेंगे हम जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। आपके पास अगर हरा धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने गरम मसाला पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें खड़ा मसाला डाला है। अगर आपको तीखा करना है, लाल कलर करना था इसका, तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और डालते हैं, और हरी मिर्च नहीं डालना फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। या कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते कलर के लिए लाल, पर ये मैंने दाल ढोकली बनाई है जो बच्चे भी खा सकें उस हिसाब से, जो महाराष्ट्र में इसमें बोलते हैं वरणातला चकल्या। तो ये होके पक गया है, अब इसको करते हैं हम बंद। ये हो गई हमारी दाल ढोकली तैयार। इसमें नींबू निचोड़ के खा लेना है, बहुत यम्मी टेम्पटिंग लगती है, बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो आप सब ज़रूर ट्राई करना। ये हो गई हमारी दाल ढोकली तैयार। इसमें नींबू डालना और इसको टेस्ट करना, बहुत अच्छी लगती है, आप सब ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का ज़रूर प्रेस करना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना तो नई वीडियो का नोटिस आपको मिल जाएगा। थैंक यू।